हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो इज अ रिव्यूइंग वीडियो। द प्रोडक्ट व्हिच आई एम रिव्यूइंग टुडे इज द एमके कॉस्मेटिक्स का डेली क्लेंजर। ठीक है। अच्छा, क्लेंजर हमने बहुत सारे टाइप के पहले भी यूज़ किए हैं, वो क्रीमी क्लेंजर थे। अब ये जो क्लेंजर है, ये पैकिंग इसकी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये एमके कॉस्मेटिक्स का 100 ml इसमें प्रोडक्ट है। ये इसके इंग्रेडिएंट है, नहीं बेनिफिट्स हैं। ये डायरेक्शन टू यूज़ है। ठीक है जी, ये इसकी फ्रंट पैकिंग है, ये इसके इंग्रेडिएंट हैं और ये कॉन्टैक्ट अस की लिस्ट है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है कि ये किस तरीके से यूज़ करना है, आज की वीडियो इज़ अबाउट दैट। और ये इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन पर कैसा इफेक्ट हुआ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। अच्छा जी, इसकी पैकिंग दिखती कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये मैं पैकिंग आपको दिखा चुकी हूँ। मैं इसको खोलती हूँ, यहाँ से खुलती है एंड दिस इज द क्लेंजर। ये क्लेंजर की बॉटल है, ये इतना थिक है, ये देखो, ये इतना इसकी कंसिस्टेंसी है, ये देखो। इसमें थोड़ा सा ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये पफ लगा हुआ है और ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये इसकी पैकिंग है। अच्छा, मैं अभी आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ ऑन माई फेस। अभी जो मैंने मेकअप किया हुआ है, इसको हम इसी क्लेंजर से रिमूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑल वी नीड टू हैव इज़ द क्लेंजर। ठीक है, ये सॉरी, ऑल वी नीड टू हैव इज़ द क्लेंजर एंड द सेकेंड थिंग वी नीड टू हैव इज़ द कॉटन पैड्स। ये कॉटन पैड्स आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएंगे, लाइक इम्तियाज, चेज, नाहिद, किसी से। ये तीनों चीज़ों के नाम मैं बता रही हूँ क्योंकि आई लिव इन कराची। आप कहाँ कहीं पर भी रहते हो तो आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई वॉन्ट दैट एंड दैट टू रिमूव और क्लेंज माई फेस। सो मेकअप मैंने अभी किया हुआ है, अभी मैं इसको खोलती हूँ और इसमें से कॉटन पैड निकाल कर आपके सामने सब कुछ करके दिखाती हूँ। ठीक है जी, मैं अभी वापस आती हूँ 2 मिनट में। ये देखिए जी, ये कॉटन पैड है। ठीक है, अब इस पर मैंने क्लेंजर लगाना है, ये देखो। ठीक है, अब मैंने अपने मेकअप को रिमूव करना है इस क्लेंजर की मदद से। मैं एक साइड का कर रही हूँ ताकि आपको फर्क पता चले। ठीक है, ऑल्दो मैं बहुत अजीब लगने वाली हूँ कि एक साइड पे मेकअप है, एक साइड पे नहीं है, बट दिखाना है, रिव्यू दिखाना है। अच्छा, ये आपके स्किन पर जितना भी पॉल्यूशन होगा, डर्ट होगा, उस सबको बहुत अच्छे से क्लेंस करेगा और आप बहुत तेज़ी से इसका रिजल्ट देखोगे। आपका जो फेस है, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है आपको कितनी गंद बला निकली है मेरे मुंह से। ये तो खैर वो है फाउंडेशन और ये सब बेबी क्रीम वगैरह, लेकिन ये देखो कितने तेज़ी से इसने साफ़ कर दिया। इफ़ यू डोंट हैव मेज़ोलिन वाटर इन विद यू, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ मेकअप रिमूवर एज वेल। ठीक है जी, ये देखो, मैंने इस साइड की मेकअप रिमूव नहीं किया और इस साइड का मेकअप रिमूव कर लिया है। अच्छा, अब ये कॉटन पैड हो गया है गंदा। अब मैं दूसरा कॉटन पैड लेती हूँ फ्रॉम द पैक और सिंगल आओ भाई। अच्छा जी, क्लेंजिंग आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है, नाइट टाइम पे बिफोर गोइंग टू बेड, बिकॉज अगर आप क्लेंजिंग प्रॉपरली नहीं करोगे तो आपके फेस पर मेकअप रह जाएगा और मेकअप रहने की वजह से आपकी स्किन पर एक्नी हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है। तो यू हैव टू रिमूव योर मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड एवरी नाइट। ओके, ये देखो, इस तरफ का मेकअप मैंने कम्प्लीटली रिमूव कर लिया और ये देखो, मेकअप रिमूव करने के बाद भी इतनी डर्ट निकली है। ये रहा मेरा फर्स्ट कॉटन पैड जिससे मैंने मेकअप रिमूव किया था, इस पर तो चलो फाउंडेशन या बीबी लगी हुआ, ये रहा वो डर्ट। ठीक है, और मेरी ये वाली साइड मैं आपको बता नहीं सकती कितनी सॉफ्ट हो गई है, कितनी मुलायम हो गई है, और ये ज़ाहिर है इस पर मैंने अभी क्लेंजर नहीं अप्लाई किया। ठीक है,
अब मैं इस वाली साइड का भी क्लेंजर करती हूँ, उसके बाद फिर आपके सामने ही करती हूँ वैसे, ठीक है। और ये मैं वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो। ओके जी। अच्छा जी, ये मैं अपने फेस के सेकेंड वाला जो हिस्सा है, जो हाफ पार्ट मैंने नहीं किया था क्लेंज, वो कर रही हूँ। लास्ट टाइम की रिव्यूइंग वीडियो में आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैंने अपना रिव्यू नहीं दिया, तो मेरा अपना रिव्यू यही है कि ये वाला जो क्लेंज़र है वो वर्थ पाएंगे। आप वंस इसको ख़रीद लो, ये 100 ml की बॉटल है और ये आपको आराम से मेज़लीन वाटर का भी काम करेगा और क्लेंज भी करेगा आपके फेस को। तो इट्स अ वर्थ बाइंग पीस, यू शुड ट्राई दैट। और आप इसको बिल्कुल ट्राई करो, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, ये कोई पेड कंटेंट नहीं है। सो यू मस्ट ट्राई दैट क्लेंजर फॉर टू गेट द बेटर रिजल्ट। ओके जी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। एंड कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और आप किसी भी प्रोडक्ट पर रिव्यू करवाना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ उस पर, तो डू कॉमेंट बिलो, मैं आपके कॉमेंट्स का जवाब भी दूंगी, ठीक है जी। एंड इफ़ यू डोंट फॉरगेट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम येट, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फॉलो दैट। ओके, सो मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।